नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों आप देख रहे हैं अपने टेक्निकल खेती चैनल। किसान भाइयों आज बात करेंगे जो सफेद लट अपनी मूंगफली और सोयाबीन की फसल में लग जाती है उसके बारे में। किसान भाइयों ये सफेद लट अपनी फसल को 80% तक बर्बाद करने की क्षमता रखती है, इसका मतलब ये अपने खेत को साफ करने की क्षमता रखती है। तो किसान भाइयों मेरे कम से कम 90% किसान भाई सफेद लट की कीटनाशक दवाई गलत तरीके से और गलत टाइम पर देते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें अच्छे से नहीं मिल पाता, अपनी खेती अपन कीटनाशक दवाई से नहीं बचा पाते। तो आज इसी मैटर में अपन बात करेंगे कि किस टाइम पर किस तरीके से कीटनाशक दवाई दें ताकि अपने को 100% रिजल्ट उसका मिल सके। और साथ ही किसान भाइयों आगे आपके लिए एक देशी उपचार का वीडियो और लाऊंगा, उसमें अपन लाइव डेमो के माध्यम से देखेंगे कि वो देशी उपचार सफेद लट पर कितना कारगर सिद्ध होता है। मैंने कई किसान भाइयों को वो उपचार बताया था, उन्होंने रिजल्ट देखा और उनको अच्छा लगा, सही में वो अच्छा परिणाम दे रहा है। तो आपको लाइव दिखाऊंगा कि कितना क्या वो कारगर रहता है। तो किसान भाइयों अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें और हमसे जुड़े। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये आने वाला वीडियो आपको डायरेक्ट मिल सके। और इस चैनल पर किसान भाइयों आपको फसलों की जानकारियों के साथ साथ ताज़ा भाव भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों ये सफेद लट होती है ये अपना काम तब जोर शोर से स्टार्ट करती है जब मिट्टी में नमी हो, वातावरण में नमी हो, बरसात हो जाने के बाद ये अपना काम अपनी कारीगरी बहुत ही शानदार तरीके से शुरू कर देती है, फुर्ती के साथ शुरू करती है। तो जो मेरे किसान भाई बरसात से पहले या नमी से पहले ये दवाई दे देते हैं वो दवाई उनकी वेस्ट है, क्योंकि ये जमीन की गहराई में रहती है, वहाँ तक दवाई का असर नहीं जा पाता और कोई दवाई का अपने को फायदा नहीं मिल पाता। तो आपको क्या करना है, जब भी बरसात हो जाए उसके 24 से 48 घंटे के बाद आपको कीटनाशक दवाई देनी है। और दूसरी बात किसान भाइयों, बरसात हो जाने के तुरंत बाद ये अपना काम शुरू करने के लिए ऊपर आती है, उस टाइम पर अपना अपना काम अगर अच्छे से कर दे तो अपनी कीटनाशक दवाई 100% इफेक्ट इस पर डाल पाती है, अपनी फसल अच्छी रह पाती है। मैंने कई किसान भाइयों से संपर्क किया, उन्होंने बीज उपचारित बुआई के टाइम डेंटोस से अच्छे से कर दिया था, फिर मूंगफली 25 दिन की हुई तब उन्होंने अलग से कीटनाशक दवाई यूरिया के साथ और दे दी, और अब जब मूंगफली 2 महीने की हो गई तो ये लट अपना काम बराबर तरीके से कर रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, उस टाइम 25 दिन की मूंगफली थी, उस टाइम ये दवाई दे दी, उस टाइम ये लट नीचे थी तो वो दवाई काम में नहीं आ पाई, और अब ये जैसे ही बरसात हुई नमी हुई ये ऊपर आ गई और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया और मेरे किसान भाई आज परेशानी में फंसे हुए हैं। तो ये किसान भाइयों गलती अपने को नहीं करनी है, आगे से इस चीज का ध्यान रखना है। और किसान भाइयों ये आप फोटो में देख सकते हो, ये इसकी शुरुआती स्टेज है, ये अगर कीट आपको कहीं दिखे तो आप अगर उसका इंतजाम उसी टाइम कर देते हो तो ये आगे लट में नहीं बदल पाएगा और अपने कुछ हद तक फसल का बचाव हो सकता है। ये ज्यादातर आपको बरसात के दिनों में बल्ब के पास देखने को मिल जाएगा। इसमें आप सिंपल सा उपचार करना चाहो तो बल्ब के नीचे पानी का दामा भर के रख दो, उसमें गिर जाएंगे, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत बचाव तो जरूर होगा। और ये हमारी मूंगफली कैसी है कमेंट करके जरूर बताना। ये लगभग 2.5 से 3 महीने की हो चुकी है, अभी तक तो इनमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, ठीक ठाक लग रही है अभी तो। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी क्या है हमारी मूंगफली। दोस्तों हमने हमारी मूंगफलियों में डेंटोस से बीज उपचारित किया था और जब मूंगफली 2 महीने के लगभग हो गई थी तब बरसात हो गई थी, तब मैंने बरसात के 3-4 डेज बाद कीटनाशक दवाई देना शुरू कर दिया था और अभी तक मूंगफलियों में कोई शिकायत नजर नहीं आ रही। मैं डेली टाइम निकाल के चेक जरूर करता हूँ आप देखो इन मूंगफलियों को, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी है। और वो याद है ना देशी उपचार वाला वीडियो आपके लिए आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को जरूर लाइक फॉलो करना ताकि आपको डायरेक्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान।